इनकी जो मैं मेन बात बताऊंगा, क्योंकि किसान है अपने मजाक भी चल रहा है, किसान है किसी कोम है खेत में आप जाओ हाँ सवेरे। आजकल तो बुजुर्गों में एक और चीज का जोड़ कर कहूंगा, ये है नहीं जितना नासीन रेडिया ने भी कर दिया का नाटक, सवेरे सवेरे बड़े बुजुर्ग बड़दान लेकर जा कर सवेरे बड़दान असर खुलशा करते राम का नाम लिया करते मना परमात्मा ने अर्पणा भी करता। मेरे बड़का भी वही बात सह करा तेन को बड़े 300 रुपये दिहाड़िया के लिए दे दू खेत में पहुंचाऊ अरे 300 कर लिया वो बताओ काम धंधा तो करता नहीं खेत में जाकर मारा करके आने के राजी को नहीं फिर जो कहेंगे मामना है कुछ चेयर मानने के लिए मामला है वहाँ चाहिए है। तो रही सर आपकी तो आ रही है। एक बार एक जना भी गया सुसरे उसका बूढ़ा ना बापू ने बोले 100 रुपये 50 खेड़ा के और 50 भाड़ा किराया के भाड़ा किरा के तो लग लिए बूट ले आ कर दान जुगड़ी अपना मोड़ पर है। एक बार तो ठेकाड़ा कहीं देखे एक बार सूजी ताड़ी खेड़ा ही देख रहे हैं मन धोरा हो रहा ये मक्सी करके ओदी 50 की पी ली अकड़िया खेत में को सीधी राई जा करती राई राई चल अपने बने बने पैर टेकदा कोई मूली बोर की खात गेट का टेर था शेर का बच्चा ना खात वाला कट्टा ठा लिया मुड़िया ठोक लिया कट लिया खेत वालों ने भी देख लिया बाद में ऊपर है पाछ पाछ लाग लिया जन दे आगे लगा कट्टा लो जी फल संभालो पंचायत करूंगा बुजुर्गो पंचायत का डर लग गया पुराने टाइम में आजकल तुम भी आउंदी रहे थपड़म थपड़ा दे कर कराएगा 8000 में समझौता हो गया। अगला दिन शेर का बच्चा ला गया चलना उसका सुसरा बोला चौधरी के बेटे हो रही है एक बार बोले हाँ जी बोले देख आ जा तेरा घर से इतना महंगा फल देगा मारा ना आकर भाई मारा वहां कौन होगा इतना। अरे यो दुष्यंत की बताऊंगा इसका कल एक काम हो रहा है एक बिज्ञा मैसलेन उसकी अच्छा अच्छा ती बेची नहीं उदी कटे काटड़ा छोड़ दिया नहीं उसका जी लेकड़न नहीं रहा मैस का सुतरा गुआर गया भाई रोए ध्यान रखियो मैं इस बेटी जो पाली है बोले भाई ठीक से भी वो एक तो कटड़ा कहने देखे एक मैं सहन देखा बोले ठीक है रुपया तो पैड़े रखी है बरना कर जा लिया बोले ओए ध्यान रखिए बेटी जो पाली है बोले रे यार तो बेटी जो पाली धोता का तो नाश कर दे दिया था ना खट्टर तो बेटी जो पाल दिया धोता का तो नाश हो गया का कड़िया का तुमको छोटे है तो इतना था फिर क्यों कई चाले जाकर को मैं लेने भी क्या को किमे करने भी क्या काला धन है बुजुर्गो साची बताऊंगा मैं काला धन एक जना ने बैंक में चढ़ाई दी मैं बोला रे न्यू छोड़ी थी काला धन जमा करो हो बोले ये दो हैं डाट यही थी खड़े बोला तो इतनी क्यों गए हैं बोला भाई साची कहूँ जिसका फर्जी नहीं है उसका तो नाम का काला हो गया क्यों मैल चिना दी अर्जी थी जो मुझे नहीं देखो वो क्या कर रहे बोले पशु का खेती का सारा ही चल रहा है डांगर बिना खेती हो भी क्यों चलता क्यों नहीं चलता पूरी मेहनत करे ब्याज पाए ले एक कोई थन में दिक्कत होगी कोई और प्रॉब्लम होगी साफ जी निकल जाए करीब एक बात ध्यान आएगी मेरे बीच में ये क्या कर रहे हैं भाई खड़ी बर्बाद कर रहे हैं किसान देखो तू खावा है अरतार में तो कितने सहमत है मैंने बताया देखो जो खड़ी फसल पर वो अपन किसान ना चला दे सहमत था उसका कोई सा मैं सहमत बताऊंगा क्यों देख तेरा बालक सुझे गल तो बता दिया मैं सहमत नहीं हूँ बालक जिस तरह हमारी मातृ शक्ति ये बता दी कि किसी बहु बेटी के पेट में बालक है और देव गुजर जाए नहीं छबी तरह की मैं दिक्कत हो जाए क्यों मुंह नहीं देखना भाई आपे पालन नहीं पाए सबर कर लिया हाँ कर लिया बुजुर्गो इवन बताओ जे पकी पकाई फसल के आपे आग लान दे इस तो अच्छा तो काची बाण का फायदा था क्योंकि आत्मा आया बाड़ा खिलाया बाड़ा कर जे फिर बिर जाए नहीं कितना दुख हुआ है और वो एक किसान का एक ज्ञान है क्योंकि फसल है बेटा तो भी घड़ी प्यारी हो छह महीने दिन रात मेहनत कर कर रहे खेतों में पानी लगा जब तो फसल में तैयार कराओ घर आए एक बार बाढ़ वो कर देगा जिस टाइम न्यू हो नहीं भाई लहराने लग रही है वो भीतर खुश हो बुजुर्ग न्यू देखा देख मेरी मेहनत रंग लिया होगी और फिर वो जिस दिन मंडी में लेके जाए नहीं एक चीज और आगे आजकल किमे लेने चले जाओ दाती केड़े फल फ्रूट और सारा सौदा किमे लेने चले जाओ अगला तय करेगा कि मैं इस बार में दूंगा अजा भी नहीं कह देने ले तू
या तेरी दाती है तो मैंने 60 रुपया में दे दे होगी है तो कौन देवा है अगला त्याग रहेगा। और बुजुर्गो अपनी फसल है, अपनी फसल दिन रात मेहनत करके आपे बोल लेके जानी, अगला बताओगा मैं इतना में लूंगा, देनी हो तो देनी अपनी करा ले जी, अपनी इतनी भी इज्जत को नहीं। और जय दया लड़ाई लड़नी पड़ रही है क्योंकि जो लंबा टाइम की बात की बापे लंबा टाइम लड़ांगे ये तो लड़ना पड़ेगा।